एक मर्तबा जर्मनी जाना हुआ, शहर का नाम मैं इरादतन नहीं बताऊंगा, तो वहां एक मर्तबा इस आजिज ने कुछ अल्लाह की मदद अल्लाह की नुसरत के मुतल्लिक बयान किया। बाद में खाने का वक्त आ गया तो खाने पे एक पाकिस्तानी इंजीनियर साहब मिले जो वहां काफी अरसा से सेटल्ड थे। मुझे कहने लगे, जी मैं आपसे एक बात अर्ज करूं। मैंने कहा क्या? कहने लगे, अल्लाह ताला मौलियों की बड़ी फेवर करते हैं। मैंने कहा बात तो सच है। अब चूंकि खाना खा रहे थे फिर वो खाना खाने लग गए। फिर कुछ देर के बाद कहने लगे, जी अल्लाह ताला मौलियों की बड़ी फेवर करते हैं। अब मैंने देखूं जाहिर में कि वो तो बेशक न दाढ़ी थी न कुछ था, एक आम जैसे इंजीनियर की जिंदगी होती है, एक खूबसूरत नौजवान था, आम जिंदगी गुजारने वाला। जब खाना खत्म होने लगा ना तो फिर जरा मेरे वो करीब होकर बैठ गया, फिर कहते हैं जी अल्लाह ताला मौलियों की बड़ी फेवर करता। अब मुझे समझ लगी कि ये कुछ कहना चाहता है लेकिन जरा इसको वक्त चाहिए, अलहदगी चाहिए। तो वो हम लोग अलग कुर्सियों पे जाके बैठ गए। मैंने उनसे पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं जो बेताब है इतनी देर? कहते हैं जी अपना वाकया सुनाएं। कहने लगा, जी मैंने लाहौर से इंजीनियरिंग की, फिर यहां एक कंपनी में मेरी नौकरी लगी, बेहतरीन नौकरी, जबरदस्त तनख्वाह, और मैं इंटेलिजेंट भी बड़ा। मैं पिछले इतने सालों से उस कंपनी में नौकरी कर रहा, हमारे दफ्तर में यहां के माहौल के मुताबिक मर्द भी इंजीनियर हैं लड़कियां भी इंजीनियर हैं। तो एक लड़की इंजीनियर जर्मनी की, वो हमारी कोलीग थी, इतनी खूबसूरत थी कि देख के बंदा सोचता था कि अल्लाह ने ऐसी भी मखलूक पैदा की है, और इसके साथ साथ इतनी जहीन और इतने अच्छे अखलाक वाली कि दफ्तर के जितने जवान लड़के थे हर एक विश करता था कि मेरे साथ इसका ताल्लुक जुड़ जाए। जर्मन भी इसी कोशिश में लगे हुए थे, दूसरे भी किसी कोशिश में, मगर उसकी जिंदगी बड़ी क्लीन नजर आती थी। वो काम की बात करती थी, जो जरा काम की बात के अलावा करता था ऐसा जवाब देती थी कि अगले को जरूरत ही नहीं होती थी बात करने की। हम लोग दोपहर के वक्त छुट्टी होती तो फिर खाना खा लेते थे, कमरा बना हुआ था। एक दिन मैंने खाना ना खाया, फिर दूसरे दिन खाना भी ना खाया, तीसरे दिन जब मैंने खाना ना खाया तो उसने मुझसे पूछ लिया कि फलां आजकल आप दोपहर में खाना नहीं खा रहे। मैंने कहा इसलिए कि वो मैं मुसलमान हूं और हमारा रमजानुल मुबारक शुरू हो गया है और मैं फास्टिंग कर रहा हूं। उसने कहा ये क्या होती है? तो मैंने बताया रोजा क्या होता है। उसको थोड़ा इंटरेस्ट फील हुआ, कहने लगा मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा टॉपिक मिल गया। मैंने भी खोल खोल के बताया फास्टिंग क्या होती है, और उसके इंटरेस्ट को देख के कहा अच्छा मैं बाकी बातें तुम्हें कल बताऊंगा। अगले दिन फिर मैंने उससे कोई बात की, हमारी बात रमजान शरीफ पे चलनी शुरू हो गई, और वो भी उस खाने के वक्त में कुछ देर बैठ के मुझसे इस्लाम के बारे में कोई बात सुन लेती। मेरी कोशिश ये थी कि रमजान शरीफ के दौरान मेरी बातचीत इतनी शुरू हो जाए कि कंफर्टेबली हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लग जाएं। जर्मन लड़के मुझे देखते तो वो मुझसे बड़े खफा होते, ये इसके साथ बैठ के क्यों 10 मिनट बातें करता है भाई, जब से हमसे 1 मिनट भी बात नहीं करती। खैर रमजान शरीफ होने तक मुझे इतना अंदाजा हो गया कि इसके जहन में इस्लाम के बारे में मजीद जानने का भी शौक मौजूद है। तो मैंने कुछ अंग्रेजी की किताबें भी उसको मंगा के दी कि पढ़ो, और मैं तो चाहता था अल्लाह करे ये मुसलमान बने फिर तो हमारा ही नंबर लगेगा, क्योंकि बाकी तो सारे यहां काफिर हैं।
बड़ी मेरी कोशिश थी और मैं बड़े खुलूस से कोशिश कर रहा था ये मुसलमान बन जाए। अल्लाह की शान कि जो बातें मैं बता सकता था मैंने बताई, और कुछ बातें उसको मैंने कहा कि भाई तुम्हारे करीब अगर कोई मस्जिद है वहां आलिम है तो उनसे क्वेश्चन पूछ लो। 6 महीने उस लड़की ने इस्लाम को स्टडी किया और एक दिन आके वो मुझे कहने लगी कि कल मैंने कलमा पढ़ लिया है, और मैंने देखा कि उसने अपना सर भी ढका हुआ था। तो ये इस बात की दलील थी कि ये मुसलमान बन चुकी। मेरी तो खुशी के इंतहा नहीं थी। मैंने ईशा के बाद 10 रकअत शुक्राने के नफल पढ़े कि ये मुसलमान बन गई। मैं कुलीग भी हूं मुसलमान भी हूं, इसके पास तो कोई दूसरी ऑप्शन ही नहीं है, तो अब मेरा काम आसान हो गया। अब वो जब मौका होता नमाज भी पढ़ती, मगर जिंदगी चलती रही। साल में हमें छुट्टियां मिलती थी जो अक्सर वहां के मकामी लोग यूरोप में इधर उधर बीचेस पे गुजारा करते थे। बात चली कि भाई इस दफा छुट्टियों का प्रोग्राम क्या है। उसने कहा कि मेरा इरादा है कि मैं इस दफा टर्की जाऊंगी, सुने वहां बहुत मस्जिदें हैं और बहुत उलमा हैं, म्यूजियम्स हैं, तो मुझे जरा इस्लाम को और ज्यादा स्टडी करने का मौका मिल जाएगा। मैंने सोचा तुर्की जाएगी तो मेरा क्या फायदा। अब मैंने उसको आइडिया दिया, फूड फॉर थॉट। इनका तुम्हें क्या पता, असल तो दीन पाकिस्तान में है। इतनी मस्जिदें हैं, इतने ये उलमा हैं, इतने फला हैं। अब मैंने ऐसी सुहानी स्टोरी उसको सुनाई कि उसको लगा कि अगर मुझे दीन समझना है तो शायद वहां इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल सकेंगी। और इधर मैंने अपनी अम्मी को फोन भी कर दिया, अम्मी मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहां से एक लड़की आ जाए पाकिस्तान, बस उसको फिर आप शादी के लिए तैयार करना, ये आपका काम होगा। अम्मी ने कहा बेटा बात ही कोई नहीं। मेरी बहन एक एमए इंग्लिश थी, एक एमए इकोनॉमिक्स थी, बहनों ने भी कहा तुम एक दफा ले आओ उसको, हम उसको तैयार कर लेंगी, मसला ही कोई नहीं। अब मेरी कोशिश के किसी तरह ये सफर करे। 2-3 दिन वो सोचती रही, फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक, मैंने इरादा किया है कि इन छुट्टियों में मैं पाकिस्तान जाऊंगी, मगर मैं अपनी अरेंजमेंट खुद करूंगी, तुम फ्लाइट नंबर बस बता दो कब जा रहे हो। तो मैंने कहा ठीक। अब जिस दिन मैंने फ्लाइट पे आना था और उसने भी 2 लफ्ज कहे थे कि हां मैं बुकिंग करवा लूंगी, कहने लगा कि मैं तो 1 घंटे यानी 3 घंटे पहले पहुंचने की बजाय 4-5 घंटे पहले पहुंचा हुआ था। जल्दी से चेक इन करवा के अब मैं तलाश कर रहा था कि कब आए। खैर उसको आने में कुछ देर हो गई, मगर मैंने देखा कि वो आ गई तो मैं बड़ा मुतमिन हो गया, अब ये पाकिस्तान आ रही है। खैर जब पाकिस्तान उतरे तो मेरे घर वाले रिश्तेदार सब मुझे रिसीव करने आए हुए थे, तो घर की औरतें उसको भी मिली। उसने कहा कि देखो मैंने होटल की बुकिंग करवाई हुई है और मैं इस वक्त थकी हुई हूं सफर करके, तो मैं सीधा होटल में जाऊंगी और कल जब मैं किसी वक्त फ्रेश होंगी ना तो औरतों को कहा कि तुम होटल आ जाना, मैं तुमसे डिस्कस कर लूंगी कि मुझे कहां कहां इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मेरी बहनें उसको देख के तो हैरान हो गई और उन्होंने शादी की डेट और प्लानिंग वो भी शुरू कर दी। अगले दिन मेरी अम्मी गई और उसको कहा कि भाई आप होटल में क्यों रहती हो, हमारे घर में आओ। उसने कहा मैं जरा यहां कंफर्टेबल हूं। अम्मी ने कहा चलो खाना खाने ही आ जाओ। उसने कहा ठीक। तो वो एक वक्त खाने के लिए घर अम्मी के साथ आ गई। हमारा घर डिफेंस के अंदर इतना बड़ा बेहतरीन महल नुमा घर था और बिजनेस था हमारा कार डीलरशिप थी। अब जो कार डीलर हो वो तो करोड़पति होता है। छोटा भाई मेरा मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत नौजवान। खैर मेरी बहनों ने बड़ी कोशिश की
कि भाई किसी तरह वो हां कर दे कि मेरे साथ उसकी शादी से वो राजी है, मगर वो खामोश हो जाती, वो हां नहीं करती थी। परेशानी होने लग गई, दिन गुजर रहे हैं और हां नहीं कर रही है। तो कहने लगे कि एक दिन जो है अम्मी ने कहा कि बेटा अगर तुमसे वो राजी नहीं तो तुम्हारा छोटा भाई भी तो है, हम उसकी ऑप्शन दे देते हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अम्मी ने छोटे भाई की ऑप्शन दे दी, वो सुन के फिर चुप हो गई। हत्ता के आधे से ज्यादा दिन गुजर गए, फर्ज करो 20 दिन उसने रहना था तो 10-12 दिन गुजर गए। अब अम्मी को जरा फिक्र होने लग गई कि ये नहीं मानेगी। हम परेशान भी थे। अल्लाह की शान, एक दिन वो अम्मी के साथ बैठी बातचीत कर रही थी, कुछ कहने लगा मेरे एक चचा हैं, तबलीगी बंदे हैं, सारा दिन मस्जिद में पड़े रहते हैं और काम ही कोई नहीं उनको। उनका एक बेटा है और उस बेटे को उन्होंने जामिया अशरफिया से मौलवी बना दिया। वो चुके मेरे अम्मी के करीबी रिश्तेदार हैं, तो वो नौजवान हमारे घर आया अम्मी को कोई चीज देने के लिए। तो इस लड़की की जरा दूर से नजर पड़ गई कि एक बंदा है, दाढ़ी वाला भी है, टोपी भी है और फजाकता भी दीनी है। उसने मेरी अम्मी से पूछ लिया ये कौन है। उसने कहा ये मेरे देवर का बेटा है, आलिम है। उसने कहा अच्छा, मैंने जो कुछ मसले पूछने थे वो मैं इससे पूछ सकती हूं। अम्मी ने कहा हां। कहने लगा अम्मी ने वो मौलवी साहब को बुला लिया और वो मौलवी साहब आके यूं निगाहें नीची करके खड़े हो गए। ये इसने एक दो बातें पूछी, उसने आगे से जवाब दिया और जैसे रूठा हुआ बंदा होता है वो मौलवी साहब चले गए। इसने जाते हुए उसे पूछ लिया कि भाई अगर कोई और बात पूछनी हो तो आपका टेलीफोन नंबर। उसने टेलीफोन नंबर दे दिया। एक दो दिन टेलीफोन पे ये उससे बात करती रही। कहने लगे कि चौथे दिन हमें पता चला कि लड़की ने उससे खुद बात की, क्या तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो। कहने लगे मौलवी साहब ने जवाब दिया मैं अब्बू से पूछूंगा। अब्बू से पूछूंगा। उसने अब्बू से पूछा। अब्बू ने कहा कि बेटा सारी दुनिया इन मुसलमान के लिए उसका मुल्क है, अगर तुम्हारा रिज़्क अल्लाह ने वहां लिखा है तुम दीन की नीयत से जाओ, अल्लाह के दीन का काम करो वहां। कहने लगा लड़के ने हां कर दी। अगले दिन उसने क्या किया कि वो लड़के ने अपने दो चार रिश्तेदारों को बुला लिया, सादगी के साथ निकाह हो गया। लड़की उसको लेके इस्लामाबाद एम्बेसी चली गई और एम्बेसी में उसने अपना स्टेटस दिखाया, पूरा दिखा के कहा कि मैं आई थी छुट्टियां गुजारने, इसके साथ मेरा निकाह हो गया है, कागजात होते रहेंगे, मैंने है 4 दिन में वापस जाना, क्या आप इसका मल्टीपल वीजा लगा सकते हैं। कहने लगे काउंसलर को उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बातचीत, उसकी नौकरी इतनी जस्टिफिकेशन नजर आई, उसने छूटते ही 5 साल का मल्टीपल वीजा लगा दिया। कहने लगा छुट्टियां खत्म होनी थी, वो लड़की अपने वो जो मौलवी साहब खाविंद थे उनके साथ चली गई, मेहनत मैंने की, अल्लाह ने फेवर मौलवी की कर दी। वह यतवल्ल सालिहीन, वो अल्लाह